स्टूडेंट्स, मैं ज्योति पाराशर आपका सी एस स्टडी आई पॉइंट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और हम और आप मिलकर सोल्व करेंगे आज नाइन्थ क्लास का जो यूनिट है वो क्या है, हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल के कंसेप्ट है, सीपीयू, आपके सीपीयू के पार्ट्स होते हैं और आपके कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, कि जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया है, ये हो गया, टैब हो गया, तो वो हम आपको डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ये रन होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेमोरी यूनिट का पार्ट। और आई होप सो आपको, वैसे तो आपको हर इंफॉर्मेशन डीपली कराई जाएगी, अदरवाइज अगर आपको कोई कंसेप्ट रह भी जाता है कि आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे करा पाऊँ। अगर आपको लगता है कि मुझे ये अच्छा कराया हुआ है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके मुझे कहिए कि मैम आपने बहुत अच्छा कराया है, कि मैं इस वीडियो को आगे फर्दर कंटिन्यू करती रहूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँ। और मुझे जितना हो उसके आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी कीजिए। थैंक यू अभी के लिए। और हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसके लिए आप और हम मिले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जो नाइन्थ क्लास का है, कंप्यूटर्स फंडामेंटल। पहले तो हमने कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शन है, क्या है हमारा बेसिक क्या है, स्ट्रक्चर, जो क्या है कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर। हमारा कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि आपका क्या हो गया है, ये डाटा हो गया। आपने क्या दिया, डाटा दिया, क्या दिया, डाटा। अब डाटा के बाद आप क्या करोगे बच्चों, आपने कोई इंफॉर्मेशन दी, क्या किया डाटा में, मतलब आपने कुछ इनपुट कराया। इसके बाद आपका क्या आता है, सीपीयू आता है। ठीक है बच्चों, क्या आता है, सीपीयू आता है। सीपीयू, सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर आपकी आ गई सीयू। सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ने क्या काम किया, हमारा काम किया कि ये एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करेगा। ठीक है बच्चों, क्या करेगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करेगा। और सीपीयू क्या करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है बच्चों, क्या करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट, क्या है, कंट्रोल यूनिट। अभी हम क्या करते हैं, लास्ट एंड में हमारा क्या निकल के आएगा, आउटपुट, जिसको हम इनफॉरमेशन भी बोल सकते हैं। क्या आएगा, आउटपुट। ये क्या है, हमारी इनफॉरमेशन। और कहाँ पे आएगी, मॉनिटर पे। कहाँ पे आएगी आपकी, मॉनिटर पे, जो हमें दिखाई देगा, किसको, यूजर को दिखाई देगा। इसके बाद हम मिलते हैं अपने मेमोरी पार्ट से, मेन मेमोरी। लास्ट में इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या है, हमारा प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं हम। इसके बाद मिलते हैं अपनी सेकेंडरी मेमोरी से, किससे मिलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, किससे मिलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से। ये क्या हमारी सेकेंडरी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी इनपुट क्या, किस कौन कौन से चीज़ों से होती है हमारी इनपुट। इनपुट होती है बच्चे आपकी, क्या हो गए, कीबोर्ड हो गए, ठीक हो गए, माउस हो गए, लाइट पेन हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारे, कि क्या है, इनपुट पार्ट। आउटपुट क्या हो गया, प्रिंटर हो गए हमारे। ठीक है, ये हमारे आउटपुट पार्ट है। मॉनिटर हमारा क्या है, आउटपुट पार्ट है, जो हमारी स्क्रीन दिखाता है, क्या दिखाता है, स्क्रीन दिखाता है, हमें डाटा को शो करता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सीपीयू है, अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सीपीयू के बारे में।
बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम जब बैक साइड से सीपीयू को देखते हैं, क्या है, अभी आपने पढ़ा कि जो हमारा सीपीयू था, सीपीयू के अंदर हमारे फंक्शन परफॉर्म होते थे कौन कौन से, क्या होता था, सीयू कंट्रोल यूनिट, उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा होता है कि जो आपने क्या किया, ALU अर्थमेटिक और ऑपरेशन जो परफॉर्म किए, उसके अंदर क्या आते हैं, माइनस प्लस डिवाइड सब्ट्रैक्ट और क्या क्या, डिवाइड आ गया, लेस देन ग्रेटर देन, ये हमारे अर्थमेटिक और ऑपरेशन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है, जिसके बाद हमारे क्या गए, आरए रजिस्टर भी होते हैं, हमारे रजिस्टर्स भी होते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि जो बेसिक यूनिट है, क्या है, बेसिक यूनिट। अब बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे सीपीयू है, सीपीयू हमें पता है कि जैसे आपने स्टार्टिंग बैक साइड से, अब जब आपने सीपीयू देखा तो यहाँ पे राउंड में एक फैन लगा होता है, क्या करता है, ये राउंड में फैन लगा होता है और हमें क्या बताता है, ये पावर सप्लाई करता है, क्या करता है, आपका पावर पावर सप्लाई करता है, क्या करता है, पावर सप्लाई, ठीक है, क्या करता है, पावर सप्लाई हमारे पास। अब इसके एंड में हमारे क्या पास है, ये वाला पोर्ट आता है जिसमें छोटे छोटे डॉट होते हैं, छोटे छोटे डॉट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे पैरेलल पोर्ट, क्या होते हैं, पैरेलल पोर्ट, क्या होते हैं, हमारे पैरेलल पोर्ट, हमारे क्या होते हैं, पैरेलल पोर्ट्स होते हैं। अब क्या है, जो हमारे इस साइड आप जाते हो, आर एस क्या हो गया, टू क्या हो गया, पोर्ट हो गया, क्या हो गया, आर टू पोर्ट्स हो गए, जो हमारे क्या है, आर टू पोर्ट्स हो गए। अब क्या होते हैं, आर एस टू पोर्ट्स होते हैं हमारे पास। अब इसके बाद हमारी क्या होती है, जो वीडियो जो कन्वर्ट करते हैं, बी जी ए वीडियो होती है, क्या होती है, बी जी ई वीडियो के पोर्ट्स होते हैं, जिसको हम जैसे ये यहाँ पे क्या है, आपका जो सिस्टम लगता है, जिसमें जिस बोर्ड में आपका सिस्टम स्लोट लगती है, इसमें क्या लगते हैं, आपके यहाँ पे आपका मॉनिटर का लगता है पार्ट, एक किसका लगा, आपका सीपीयू टू मॉनिटर लगा या सीपीयू टू कीबोर्ड, अब यहाँ पे क्या है, आपका सीपीयू टू मॉनिटर हो गया, आपका क्या है, फिर सीपीयू टू क्या हो गया, आपकी यहाँ पे जो वायर है किससे हो गया, कनेक्ट सीयू से हो गया, जो हमारी पोर्ट क्या होती है, कनेक्ट होती है। यहाँ पे हमारे छोटे छोटे स्लोट होते हैं, जो एक रेड होता है और एक ग्रीन कलर का किया जाता है, क्या होता है, रेड और ग्रीन कलर का, किसका, रेड और ग्रीन कलर का, ये हमारी क्या होती है, वीडियोस के कन्वर्टर बी जी ए वीडियो के पोर्ट होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होता है, यूएसबी पोर्ट होता है हमारे पास, क्या होता है, यूएसबी पोर्ट, यूएसबी जो हमारे पास, जैसे आप देखोगे कि फोन की एक आपने वायर देखी हो, उसको क्या बोलते हैं, यूएसबी पोर्ट, जिससे आप क्या करते हो, अपने फोन का डाटा किसी में सेंड करते हो या उसे लेते हो, क्या है, यूएसबी पोर्ट होती है। अब क्या है, आपका ऑडियो क्या होता है, ऑडियो ऑडियो जैक जैक्स होते हैं आपके, ठीक है। और लास्ट एंड लास्ट में हमारा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 56 मोडम होता है, ठीक है, जो हमारी जो मोडम हो गया मैम, जो मोडम हो गया, जो इसको हम मेमोरी भी कहते हैं, मेमोरी पार्ट हो गया, जो हमारी स्टोरेज करती है, क्या है, स्टोरेज करते हैं ये हम, ये बात समझ में आई। हम इसे अब आगे चलते हैं, अगर आपको कुछ दिक्कत रह गई हो, इसमें समझ नहीं आया, तो हम आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़िए, और जैसे मैं आगे इसको फर्दर कराऊँ, वैसे तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया है आपसे, बस ऐसा तो इससे स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पर फिर भी मैंने आपको ये डिस्कस करा दिया कि हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। अब क्या आता है बच्चों, हमारे टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं, क्या होते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर, क्या होते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं। अब क्या है, यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप हो गया, सेकंड क्या हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, थर्ड है हमारा हैंड, क्या होता है, हैंड होल्ड, कि जो हम मोस्टली आपके हैंड में रखते हैं, क्या रखते हैं, हैंड में डाटा रखते हैं, अपने हाथ में, क्या हो गया,
फोर्थ क्या था आपका? ठीक है बच्चों, अब डेस्कटॉप क्या करता है, मतलब आपका जो जो पर्सनल पहले स्टार्टिंग में कंप्यूटर आए थे उनके जो फंक्शन होते थे वो क्या थे, आपके इंडिविजुअली फंक्शन थे जो परफॉर्म करता था, मतलब कंपोनेंट, आप माउस अलग लेके आ रहे हो, कीबोर्ड अलग लेके आ रहे हो, आपके पास सीपीयू अलग है, ठीक है, क्या है, कीबोर्ड अलग है आपके पास, माउस अलग है, और यहाँ पे क्या है आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, सब अलग अलग पार्ट है इंडिविजुअली और हम कनेक्ट करते हैं एक के साथ। लैपटॉप ने क्या कहा कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड तो कर दिया पर क्या है, थोड़ा सा डेस्कटॉप से छोटा है और उसी के अंदर हमारे सभी चीजें स्टोर हैं एक ही जगह। अब हैंड और होल्ड में क्या कर दिया उसने, ये क्या करता है, हमारा जो स्पेसिफिक टास्क है, क्या है, स्पेसिफिक एवरीडे टास्क सच एज मैनेज जिंग पर्सनल, क्या करते हैं, पर्सनल डाटा को जो क्या करते हैं, हम पर्सनल डाटा को जो आप स्पेसिफिक एवरीडे टास्क को हम सब करते हैं, मतलब डेली रूटीन में उसको परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो टैबलेट होते हैं कि हम जो राइट करते हैं क्या करते हैं, डायरेक्टली राइट करते हैं, मीन्स आपके फोन हो गए, मोबाइल फोन हो गए, आप यहाँ पे क्या करते हो, आपको इसी के अंदर कीबोर्ड दिया होता है, आपका इसी के अंदर साउंड भी है, म्यूजिक भी है, एवरीथिंग इज प्ले इन वन एट है, तो आपको इंडिविजुअली कोई भी चीज परचेज करने की जरूरत नहीं है और ना कि आपको ये परचेज करने की जरूरत है, आप इसको कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकते हो इजीली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज करते हैं कि हमारी जो मेमोरी यूनिट है, अब बच्चे हमने कंप्यूटर की तो बात कर ली, अब हम तो समझते हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है तो हमें जो इंफॉर्मेशन देगा वो हमारे अल्फाबेटिकली जो हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं वो इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है बच्चे, पर ये बात नहीं है बच्चे, क्योंकि आप देखना कि हम ए प्रेस करते हैं, ए प्रेस करने के बाद ए लिखा तो आता है हमारे पे पर कंप्यूटर उस पर, जैसे हमने ए प्रेस किया कंप्यूटर क्या ए को समझता है, नहीं समझता, ये किसने प्रेस किया, यूजर ने जिसने काम कराना है, पर कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, कंप्यूटर समझता है हमारी बाइनरी लैंग्वेज, क्या समझता है, बाइनरी, बाइनरी के अंदर क्या चीज होती है, जीरो और वन परफॉर्म किया जाता है, क्या परफॉर्म किया जाता है, जीरो और वन फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, और कंप्यूटर ये कहता है जब आपने ये प्रेस किया इसके बैंक में कंप्यूटर के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, कोई भी हो सकती है एड्रेस हो, क्योंकि इन डिजिट को मिला के ही कंप्यूटर इनको समझता है कि इसके बाद क्या वैल्यू है इसके बैक साइड में, तो ये कहेगा कि अच्छा ये वैल्यू है हमें ये प्रिंट करना है, तो हमें एंड यूजर पे क्या करेगा, हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे हमें ए दिखाई देगा और इससे यूजर को लगेगा कि हमने ए प्रेस किया था और वो ए हमें दिख रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, आपको आगे दिखाती हूँ, ये क्या है मेमोरी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं मेमोरी यूनिट, ठीक है बच्चों। अब मेमोरी यूनिट में पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास ये है, ठीक है बच्चों, क्या है, ये बॉक्स बनाया, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या है, सेवन, ये हमारे पास एट है कॉलम, किसे, जीरो टू एट हमारे पास कॉलम है। अब हमने इसके डिजिट रख दी, जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो। अब हम अगर सिंगल बिट की काम करते हैं, जब हमें सिंगल सिंगल लिया, ये क्या है बच्चे, आपकी बिट है, क्या है, बिट है हमारी सिंगल, अगर हम इनको टोटल एट बिट के कॉम्बिनेशन को क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एट बिट, इट्स कॉल्ड, क्या है आपकी, बाइट, क्या है, वन बाइट, क्या होगी, वन बाइट। आपसे पूछे जैसे एक बिट क्या कहती है हमारे, इट्स कॉल्ड
वन बाइट, ठीक है, वन बाइट। अगर हमारे पास फोर बिट की बात हो जाए, किसकी, फोर बिट की, इट्स कॉल्ड क्या होता है, निबल, निबल। ये आपको याद रहेगा, ये हमें याद रखना है कि हमारी जब एट बिट हो जाती है बच्चों, तो वो क्या होता है, वन बाइट, और फोर बिट को हम क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। ये बात आपको इतनी समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं, अब क्या है कंप्यूटर बच्चों, आपका क्या है, हमारी पहले तो हमारा किलोबाइट आता है, फिर हमारा मेगाबाइट आता है, फिर हमारा गीगाबाइट आता है, फिर हमारा टेराबाइट आता है। वैसे फर्दर आगे और इंस्ट्रक्शन दी हुई है, पर हमारी जो हमें जो पढ़ना है वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, किलोबाइट, मेगाबाइट, क्या दिया हुआ है, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है बच्चों, क्या हुआ है, टेराबाइट। अब यहाँ पे हम समझते हैं वन किलोबाइट में हमारे कितने होते हैं, 1024, क्या है, 1024 क्या होती है, आपकी बाइट्स होती है, क्या होती है, बाइट्स, बिट्स नहीं, क्या होती है, बाइट्स। और ये सिंपल जो हम ईमेल करते हैं ना बच्चे, हम जो सिंपल ईमेल करते हैं, तो उसमें हमारे जो टेक्स्ट का फ्यू लिमिटेड जो डाटा होता है, टेक्स्ट का जो भेजने का डाटा होता है, वो हमारा किलोबाइट्स की फॉर्म में जाता है ईमेल के अंदर। ईमेल हमने बताया था, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी हुआ है, ईमेल जो होती है, हम क्या करते हैं, हमें कोई लेटर, कोई स्पेसिफिक किस पे एड्रेस पे पहुंचाना है, इट्स कॉल्ड ईमेल। ईमेल क्या है, हम किसी लेटर को ईमेल पहुंचा करते हैं, मतलब पोस्ट करते हैं किसी की एड्रेस पे। अब क्या होता है, मेगाबाइट, मेगाबाइट इज कॉल्ड वन किलोबाइट, क्या है, वन किलोबाइट। इसमें अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, वो हम कंप्लीट यूज करते हैं, मतलब नंबर ऑफ डाटा इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। गीगाबाइट के अंदर हमारा वन क्या होता है, मेगाबाइट, यहाँ पे क्या आता है, वन मेगाबाइट। मेगाबाइट में हम क्या करते हैं, स्टोर, क्या करते हैं, स्टोर हमारी क्या होती है, वन वीडियो हो जाती है, क्या, हम मेगाबाइट के अंदर हमारी वन वीडियो स्टोर हो जाती है, गीगाबाइट। अब ये जो भी आप वीडियो क्रिएट करोगे बच्चे, अगर वो आपकी 22 or 30 मिनट्स की है, 22-30 मिनट्स की है, तो आप ये लगा के सरोगे 30 मिनट्स की, तो हमारे गीगाबाइट्स होंगे। अब टेराबाइट क्या करता है बच्चे, वन गीगाबाइट, क्या है, वन गीगाबाइट। वन गीगाबाइट क्या करेगा, इसको जैसे आपकी कंप्लीट एक फिल्म मूवी लगा लो, जो कंप्लीट एक मूवी होगी वो हमारी टेराबाइट के अंदर हमारी बन जाएगी, और हम उसे देख पाते हैं, और अच्छी क्वांटिटी के साथ और क्वालिटी के साथ देखते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं एंड लास्ट में, क्या होता है, एक आता है बच्चे आपकी क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, एक होती है क्वांटिटी और एक होती है क्वालिटी। क्वालिटी क्या है कि जो हमने देखा वो कितना अच्छा कंटेंट है, वो क्या कहलाता है, क्वालिटी, कि हमें देखने में कितना अच्छा लगा वो क्या है, क्वालिटी। और क्वांटिटी क्या है, उसकी क्षमता कितनी है, मतलब अगर वो चीज़ जैसे हम अपनी डेली लाइफ का जो एग्जाम्पल ले, अगर हमने कोई बॉक्स लिया है और हमने कोई अच्छी सी चीज़ स्टोर करनी है, वो देखने में बहुत अमेजिंग है, और हम उसको स्टोर करना चाहते हैं किसी बॉक्स में, और उसमें हमारी जो क्वांटिटी है वो कितनी आएगी, 5 kg आई, 2 kg आई, वो हमारी क्या होगी, क्वांटिटी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, आई होप सो जो जितना पार्ट आपको कराया गया है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसको हम फर्दर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, फिर हम बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो घर पे रह के भी बहुत अच्छा कर सकते हैं।
और मैं इस सिलेबस को एनसीईआरटी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच। आई